मुंबई में युति का गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप और भी तीव्र होते जा रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका की कई सारी परियोजनाएं शहर विकास खातों के अंतर्गत आती है, इसलिए गैर व्यवहार के आरोप शहर विकास खाते के प्रमुख होने के नाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी लागू होती है, ऐसा दावा शिवसेना खासदार राहुल शेवाले ने किया है। मुंबई के शिवसेना भवन में हुई पत्रकार परिषद में उन्होंने यह दावा किया है। इसी दौरान मुंबई महानगर पालिका पर किरीट सोमैया ने किए हुए आरोपों का खंडन भी राहुल शेवाले ने किया। निश्चित स्वरूप से इसमें सीएम उनके पास अर्बन डेवलपमेंट में और होम डिपार्टमेंट भी है, तो अर्बन डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस कॉरपोरेशन में अगर कुछ भ्रष्टाचार होता है या तो वो भ्रष्टाचार की इंक्वायरी होम डिपार्टमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम आप देखेंगे तो सिस्टम में अर्बन डेवलपमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो सिस्टम है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है, टेंडर है और जो प्रपोजल बनाए जाते हैं उसमें इंजीनियर्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है, और जो स्टैंडिंग कमेटी में जो प्रपोजल लाते हैं वो कमिश्नर प्रपोजल लाते हैं। वो प्रपोजल मंजूर करना या ना करना ये केवल स्टैंडिंग कमेटी का अधिकार है, लेकिन उसमें कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करना, टेंडर नोटिस इशू करना, पुणे टेंडर कमेटी फॉर्म करना और वो कॉन्ट्रैक्टर को L1 साबित करना, ये पूरी इसका पूरा अधिकार ये आयुक्त का रहता है, स्टैंडिंग कमेटी का नहीं रहता है। स्टैंडिंग कमेटी केवल आयुक्त ने जो प्रपोजल दिया है उस प्रपोजल के बारे में मुंबई के विकास के दृष्टिकोण से वो मंजूर करने का अधिकार होता है। अगर स्टैंडिंग कमेटी ने वो मंजूर नहीं किया तो आयुक्त के पास भी एक पावर है कि वो आयुक्त उसको मंजूर कर सकते हैं, और आयुक्त ने मंजूर नहीं किया तो स्टेट गवर्नमेंट UD डिपार्टमेंट को भी उसकी पावर है कि वो मंजूर कर सकते हैं। तो ये पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर में स्टैंडिंग कमेटी की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ही कम है, और उसमें एग्जीक्यूटिव पावर वो पूरे कमिश्नर को है अर्बन डेवलपमेंट को। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ने शिवसेना के आगे आने वाले दिनों में शिवसेना की रणनीति क्या रहेगी उसके बारे में पूरा उनका भाषण में बताया, और उसी तरह उनकी रणनीति रहेगी। शिवसेना इसके लिए चुप बैठी थी कि ये मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन को देखते हुए किरीट सोमैया की तरफ से आरोप होते जाते थे, तो उन आरोपों का जो भी खुलासा है वो महानगर पालिका के चुनाव को देने के लिए हम लोग रुके थे और चुनाव के लिए रुके थे। तो चुनाव में इस आरोपों का सभी का हम खुलासा करेंगे और इस आरोप में कुछ में तथ्य नहीं है ये सब बता के मुंबईकरों का आशीर्वाद लेने के लिए मुंबईकरों के सामने हम जाएंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिपोर्ट जो दिलेला है कि माननीय मुख्यमंत्र्यांचं जे गृह खातं आहे आणि महसूल मंत्री ज्यांचं खातं आहे त्या खात्यामध्ये सर्वात जास्त अँटी करप्शन ब्युरोने कारवाई केलेली आहे, आणि भाजपच्या ज्या मंत्रालय आहेत त्या मंत्रालयांमध्ये पण जास्तीत जास्त कारवाई झाली आहे। कंत्राटदारांच्या संदर्भात बोलाल तर जो रोडचा कंत्राटदार आहे त्याचं पार्टनरच भाजपचे मंत्री आहेत, असे कित्येक जे कंत्राटदार आहेत त्यांचा भाजपाशी संबंध आहेत। येणाऱ्या कालावधीत आम्ही कुठला कंत्राटदार कोणाशी संबंध आहे याचा पण आम्ही खुलासा करू, काही कंत्राटदारांचे RSSशी पण संबंध आहेत, या सर्व माहिती आमच्याकडे आहे। तर किरीट सोमय्यांनी जे जे आरोप करतील त्या आरोपाचं उत्तर द्यायला शिवसेना समर्थ आहे। मी यापूर्वीच बोललो की मुंबई महानगरपालिकेची संपूर्णता जबाबदारी ही माननीय मुख्यमंत्र्यांची आहे, त्यांच्याकडे गृह खातं आहे, त्यांच्याकडे आम्ही या संदर्भातली तक्रार करू। त्यांनी आमचं तर आव्हान आहे, त्यांनी चौकशी करावी, चौकशी ज्यांची ज्यांची नावं आहे त्यांच्यावर कारवाई करेल। शिवसेना कधीच कुठल्या घोटाळ्यात इन्वॉल्व नाही आहे, कुठल्या भ्रष्टाचारात इन्वॉल्व नाही, आणि शिवसेना पक्षप्रमुखांच्या आणि शिवसेना वंदनीय शिवसेना प्रमुखांच्या आशीर्वादाने शिवसेनेने स्वच्छ कारभार केलेला आहे आणि तो यापुढेही आम्ही करणार आहे। दुर्दैवाने भारतीय जनता पार्टीचे खासदार वारंवार बिनबुडाचे आरोप करतायत, लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करतायत, तर त्यांचं उत्तर जे काय उत्तर आहे ते आम्ही उत्तर देऊ आणि ते उत्तर देऊनच लोकांना सामोरे जाऊ। मुंबईकरांना पण शिवसेना हवी आहे, कारण मुंबई शिवसेनेमुळेच मुंबई संपूर्णता सुरक्षित आहे, मुंबईचा जो काही विकास झाला आहे तो शिवसेनेमुळे झालेला आहे याची मुंबईकरांना जाणीव आहे, आणि मुंबईकर पण 23 तारखेला शिवसेनेवर बद्दलचा जो त्यांचा विश्वास आहे तो मताच्या माध्यमातून व्यक्त करतील। शिवसेना इस बार जो गए 5 सालों में जो विकास के काम किए और आने वाले दिनों में
शिवसेना विकास के काम जो करने वाले, ये मुद्दे पे ही शिवसेना चुनाव लड़ने वाली है। दुर्भाग्य से जो विकास के काम है वो विकास के काम को दुर्लक्षित करते हुए उनके ऊपर ध्यान न आने के लिए किरीट सोमैया के माध्यम से बार बार ये आरोप दिए जा रहे हैं। लेकिन हमारी रणनीति यही है कि मुंबई के विकास के लिए ये चुनाव होना चाहिए, मुंबई के विकास के मुद्दों के ऊपर चुनाव होना चाहिए। और भविष्य में शिवसेना के माध्यम से मुंबई का विकास कैसा होगा, इस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। ब्लैक पेपर इशू करेंगे, उस ब्लैक पेपर में कौन ब्लैक है वो हम उनके सामने दिखाएंगे। उन्होंने ब्लैक पेपर इशू करने दो, वो ब्लैक पेपर इशू करने के बाद जैसे मैंने उन्होंने जो जो आरोप किए उस आरोप में भारतीय जनता पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखी है, तो ब्लैक पेपर अगर दिखाएंगे तो उसमें उनका ही मुँह काला हो जाएगा। इसके पहले जब वो सांसद थे तभी उनके ऊपर निर्बल भारत आरोप थे उनके ऊपर कि निर्बल भारत का जो युवक प्रतिष्ठान के माध्यम से जो टॉयलेट का उन्होंने काम लिया था उसमें घोटाला किया था, हेपेटाइटिस बी का उनके संस्था ने जो किया था तो उसका भी दुरुपयोग उन्होंने किया था, और मिट्टी नदी का जो प्रोजेक्ट है उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, उसके भ्रष्टाचार में जो माहौल में जो गोयनका का प्रोजेक्ट हुआ वहाँ पे भी पीएल एडमिट किया, वहाँ पे भी प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया लेकिन पीएल का क्या आगे क्या हुआ वो भी पता नहीं। तो ये सब के आरोप वो टाइम मीडिया के माध्यम से स्थानिक जो कंप्लेंटर है उनके माध्यम से उनके ऊपर हुए थे। धन्यवाद।